सो भाई रोहित भाई को कहीं से गिफ्ट मिला है और देखते हैं कि उस गिफ्ट में क्या है। ओ भाई क्या है भाई गिफ्ट में? तो चलो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं कि गिफ्ट के अंदर क्या है। चलो शुरू करो यार। गिफ्ट नहीं है, अंशु भाई ने पार्सल अपना लैंप मंगाया है। क्या वो तो इसके अंदर पता चलेगा ना क्या है, ये तो सरप्राइज है ना। देखते हैं जिससे क्या होगा। पता सरप्राइज बताने से पता क्या होता है, जो ऑडियंस होती है ना वीडियो लास्ट तक देखती है, जो कि हम रिवील करते हैं स्टार्टिंग में ही। ठीक है, ये बताने की बात नहीं, ये बताने की बात नहीं थी क्या? कोई नहीं भाई, एडिट कर देंगे दोबारा जाएगा अंदर। नहीं नहीं अब वीडियो यहीं से बनेगी, पर ओपन करना इसको, क्या है इसमें पता चलेगा। दोबारा करना यार भाई, मैं नहीं बना रहा दोबारा, यही अपलोड करूँगा। नहीं नहीं हेलो, ये भी रिकॉर्ड हो रहा। हाँ ये भी रिकॉर्ड हो रहा यार। तो क्यों जिद करेगा रे। हेलो हेलो, तो भैया ये देखो NIT कुरुक्षेत्र हॉस्टल में, हॉस्टल का डिसएडवांटेज, ये भाई के पास है जियो का सिम, और अगर आपके पास भी जियो का सिम है ना और आप NIT कुरुक्षेत्र, एयरटेल के यार, एयरटेल में तो नहीं होता यार, यहाँ केवल एयरटेल चलता है। बट मेरा तो वो नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, तो आपको अगर बात करनी है ना तो बाहर बालकनी में जाना पड़ता है। ऐसा नहीं हो रहा, तो वो नहीं यार होता ही है, ऑपरेटर एयरटेल ये भी नहीं चल रहा ग्राउंड फ्लोर पे। हाँ कभी कभी हो जाता है, तो यहाँ हम रहते हैं H11 में, NIT कुरुक्षेत्र में, विवेकानंद भवन में, तो यहाँ नेटवर्क की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम। और अभी करंटली सबसे अच्छा हॉस्टल भी हमारा ही है। तो यार वीडियो थी अनबॉक्सिंग की, कहाँ कॉलिंग पे लग गए भाई, यार इधर आओ यार। ऐसा सी यार, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती हैं भाई। से अनबॉक्स कर देखते हैं अंशु ने क्या मंगाया है, उसके पीछे से कर रहे हैं हम अनबॉक्सिंग उसकी चीज की। भाई जिसका जिसका बॉक्स है उसका था पता नहीं वो बंदा कहाँ है। कोई नहीं भाई, ये हॉस्टल में होता है, ये कॉमन है। क्या भाई ओ भाई, और इस प्रोडक्ट की लिंक आपको प्रोवाइड कर ही देंगे अपने। तो भाई बेसिकली ये जो टेबल लैंप है और कुछ इस तरीके का है नाइट में, आप इससे पढ़ सकते हैं। एक्चुअली जब शेयरिंग में दो लोग रहते हैं ना तो प्रॉब्लम होती है, कोई बंदा किस टाइम सो रहा है, तो इसलिए भाई मेरा रूम पार्टनर काफ़ी सही है, उसने मुझे सोते हुए डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए ये टेबल लैंप मंगा लिया। ओ भाई आराम से आराम से कर रहा हूँ, टेंशन ना। अकॉर्डिंग टू मी अगर ये देखा जाए ना, मुझे छोटा लग रहा है। कितने का है? आई थिंक तो अंजू भाई बताएगा, 200 के आसपास बोल रहा था वो कल। हाँ तो इसका जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आपको चाहिए तो भैया ले लियो। और बाकी अगर आप चाहते हो कि रोहित भाई को इससे अच्छा लैंप आप गिफ्ट कर सकते हो, देन एड्रेस भी प्रोवाइड करा देंगे भाई, आप लोग ऑर्डर कर सकते हो रोहित भाई के नाम पे। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो एवरेज है, ठीक ठाक भाई। इसका बल्ब कहाँ है? डिजाइन भी इतना कुछ खास नहीं है भाई, इसका बल्ब कहाँ है, इसमें तो बल्ब है ही नहीं। बल्ब नहीं है, बल्ब अपना खरीदना पड़ेगा यार। बल्ब तो आता है यार, और टेबल लैंप कहाँ रहेगा फिर वो? इसमें क्या रखेंगे, पेन? हाँ वी कैन कीप हियर आवर पेन, पेंसिल आल्सो। कुछ ज्यादा छोटा नहीं है? नहीं ठीक है, बट यार विदाउट बल्ब क्या होगा? तो भाई देख लेना आप, अगर इसे खरीद रहे हो तो आपको बल्ब नहीं मिलेगा। तो हम चेक भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बल्ब ही नहीं है, पहले तो मार्केट से बल्ब लाना पड़ेगा। और हमारे तो हॉस्टल में भी LED वाली बड़ी वाली लगी हुई है। बड़ी वाली है तो किस तरीके से कर सकते हैं यार इसे? उल्टा भी मुड़ सकता है ये, सांप बना दो सांप। भाई ये वीडियो अंशु जब देखेगा ना तो तेरी रूम में एंट्री अलाउ नहीं होगी, ध्यान रखना। जब तक तो मंच की होगी। चेक कैसे भाई, भाई की लाइब्रेरी देखो किस तरीके से बुक्स वगैरह टांग रखी हैं। भाई पढ़ते हो इन बुक्स को? हाँ थोड़ी थोड़ी पढ़ी है सारी। कौन कह रहा? कैमरे में ऑन कैमरा पढ़ी है सारी? यस एटॉमिक हैबिट पढ़ी है, इसके तो
जैसे वो कोर्ड्स चिपके हुए हैं, इसी के चिपके हुए हैं। अच्छा अच्छा तो चलो यार, ऑडियंस का टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को यहीं पे बाइंड करते हैं। एंड वीडियो कैसी लगी अंशु को कॉल करते हैं कि बल्ब लेके आए, बाहर ही गए। हाँ, बल्ब का जुगाड़ करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जस्ट वी आर स्टार्टिंग दिस थिंग इन एनआईटी कुरुक्षेत्रा हॉस्टल, सो अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बता सकते हो कि ओके। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।